दोस्तों आज आपको बताएंगे पपीता लगाने की विधि, वो भी अपने घर के पपीते से कैसे लगाएं और उसका मेल फीमेल प्लांट कैसे चूज करें, ये सब बारे में बताएंगे। और इसके कितने मिक्सचर फर्टिलाइजर से आपका क्या होगा ये दूसरे वीडियो सेपरेट वीडियो में बता देंगे, कितना दिन पे क्या देना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब इसका वाइट वाला जो होता है ये कैसे हटाया जाता है और इसका कौन सा बीज लेना चाहिए और नर्सरी वाले कैसे लगाते हैं और उन्होंने कैसे मुझे बताया है जो ये यहीं से लगाइए और आपका प्लांट बहुत अच्छा होगा, और कौन कौन बीज इसमें से लेना चाहिए। एक अच्छा हेल्दी पपाया लेना चाहिए जो कि आपको जहाँ भी मिले आप वो खरीद ले एक पपाया, उससे ही बीज निकाल के आप लगा सकते हैं और उससे बहुत सारा फ्लावर फ्रूट ले सकते हैं, वो भी बोने किस्म का, और जितना बड़ा वो रहता है उतना ही बड़ा ले सकते हैं। वो आपको बीज ले लेना होगा, उसे सुखा लेना होगा, उसमें से जो ब्लैक वाला जो होगा वो आपको हटा देना होगा, वाइट वाला होगा जो वो हटा देना होगा, और जो मीडियम कलर का बचेगा उसे सुखा लेना है और एक दिन के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही वो ड्राई होने लगेगा आपका जो भी बीज निकाल लिए हैं वो ड्राई कर ले, और उसके बाद ऐसे ही करके मैं जैसे ही कर रहा हूँ इधर उधर क्रॉस कर दे, और इसमें से भी जो भूरा कलर का हो गया है, जो दूसरा कोई कोई फंगस लग गया है वो भी हटा दिए हैं। और एक आपको टब लेना होगा, उसमें पानी भर देना होगा, जब मैं रहा हूं। जो बीज बच गया है वही असली बीज है, और इसके लिए आपको ग्रो करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट लिए हैं। ये मेरा गोबर की खाद है जो कि बहुत पुराना गोबर की खाद है, और एक मुट्ठी गोबर, और उसमें 25% आपको गार्डनर सॉइल लिए हैं और 50% आपको लिए हैं जो बलुई मिट्टी, जो कि आप भी ले सकते हैं। बलुई मिट्टी बहुत अच्छा होता है और उससे ग्रो करना बहुत आसान होता है। मैं एक बोरे में ही ग्रो कर रहा हूँ, आपको भी बोरे में लगाना ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बोरा का एक गार्डनिंग कर रहा हूँ और एक मिट्टी पे कर रहा हूँ। आप जैसा भी आपको ग्रो बैग मिले या ना मिले तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको जो भी ग्रो बैग आप खरीद के ला रहे हैं वो अच्छा हो तो आप लगा ले, मैं तो इसी में लगा दूँगा और इसी में सारा बीज डाल रहा हूँ, और पूरा बीज डाल देंगे उतना ही दूर में। मेरे पास 100 प्लांट था, मैंने उसके बाद मेरा गिलहरी और राम जी का घोड़ा जो यहाँ बिहार में कहा जाता है, आपके तरफ क्या कहा जाता है कमेंट करके बता सकते हैं, वो टिड्डा जिसे कहा जाता है वो मेरा आधा खा गया था, और इसमें सारा चीज़ मिक्स करके देखिए कितना आसान हो गया। इसे भुरभुरी मिट्टी रहेगा तो ये लगने में बहुत आसानी होगा और ये तुरंत लग जाएगा। इसमें थोड़ा पत्ती की खाद और नीम के खाद भी दे दिए हैं, और सारा बीज एक तरफ इधर उधर छिड़क दिए हैं, और इसे मिला देंगे, इधर उधर कर देंगे, देखिए एक तरफ हो गया है और इधर उधर करके मिला दिए हैं, और जैसे ही इधर उधर कर दिए हैं तो अब पानी जैसे ही बारिश का होगा ये प्लांट जन्मने लगेगा। मेरा जर्मिनेशन बहुत अच्छा था और प्लांट भी बहुत अच्छा हो गया था, देखिए जैसे ये दोबारा डाले हुए हैं बीज, पहली बार तो खा गया था पूरा। मेरा 150 प्लांट था, 150 में से 5 से प्लांट बचा था, इसलिए मैं उसके बाद मेरा कुलान रोगा मारा तो जो प्लांट बचा है वही इतना सारा प्लांट है, क्योंकि उतना सारा बीज था वो मेरा बर्बाद कर दिया था। आप भी वैसे ही करें, मेरा कुलान रोगा रखें, मैं तो मेरा कुलान रोगा इसलिए रखता हूँ जो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो, और ये जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लगा सकते हैं, और ये भी बहुत बड़ा बड़ा फ्रूट इसमें से जो आपको मरा हुआ दूसरे टाइप का प्लांट मिले उसे हटा दीजिएगा। ऐसे तो जीनोम सिंड्रोम के विधि से ही आपको उसका प्लांट हटाना होता है, मतलब मेल फीमेल प्लांट पहचान सकते हैं, ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ। जो वो वाला वाइट वाला जो हटा दिए वो सब मेल होगा, और जो पूरा ब्लैक होता है वो भी मेल होता है, इसलिए जैसे ही मैं
ये सारा प्लांट को अब आप अगर चाह सकते हैं तो एक ग्रो बैग ले लीजिए और उसमें ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मैं इसी में छोड़ दूंगा और मैं थोड़ा बड़ा होने दूंगा, थोड़ा बारिश का मौसम और भी ज़्यादा आ जाए। देखिए मैं कितना बड़ा करके, लेकिन आप इतना बड़ा नहीं कीजिए, आप उसी समय अर्ली स्टेज मतलब आप 25 दिन से 30 दिन में आप इधर उधर कर दें। मैं थोड़ा बड़ा कर दिया था, इसमें 4-5 प्लांट इधर उधर लगा दिया हूँ, उसमें मैंने वर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी भर के और ये कुछ गमले में इसी में छोड़ दूंगा में। और ये देखिए जैसे लगा दिया हूँ, ये 2 दिन लगाया हुआ हो गया है और ये बहुत अच्छा सर्वाइव भी कर गया है। और आपको भी सर्वाइव करना है तो ये प्लांट जरूर लगाएं। और इसमें से जो मेल है उसे हटा दिया हूँ, क्योंकि मेल वाला थोड़ा दूसरा टाइप का प्लांट लगता है, उसमें थोड़ा पत्ता कटा हुआ ज़्यादा रहता है। देखिए वर्मिंग कंपोस्ट मैंने कुदारी से पूरा खन लिया हूँ और इसमें वर्मिंग कंपोस्ट मिला दिया हूँ। आप अगर मिलाना हो तो वर्मिंग कंपोस्ट मिट्टी ये सब मिला के आप बना सकते हैं, पेरलाइट उटलाइट मिला सकते हैं, और अगर आपको मिट्टी मिल जाए अच्छा गार्डनर्स वाला तो वो भी मिला सकते हैं, और वर्मिंग कंपोस्ट अच्छा वाला मिल जाए, नीम का खली मिल जाए, ऐसे ही भी साधारण सरसों का खली मिल जाए वो भी रख सकते हैं। और इसे लगा के सारा चीज़ मिक्स करके आप एक बोरी भर के 5.5 केजी से कम इसमें मिट्टी नहीं रखिएगा, और इसको एक डंटी के सहारे आपको लगाना होगा, क्योंकि जैसे ही डंटा आपके पास नहीं रहेगा तो ये बाँस के सहारे आपको लगा के बहुत अच्छा से ग्रो करना होगा। और इसको कहा जाता है टावर के कारण, लेकिन टावर के कारण बिहार में पपीता का प्लांट नहीं सूख रहा है। मैंने कुछ वैज्ञानिक से पूछा था तो उन्होंने बताया जो ये प्लांट कुछ बीमारी है बिहार यूपी के साइड में जो उसे खा रहा है, जिसके कारण यहाँ पपीता का प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, और भी प्लांट है जो ग्रो करने में दिक्कत हो रहा है। और इसमें रोज़ाना हम पानी देंगे, रोज़ाना पानी देने से ये प्लांट अपने आप सर्वाइव करने लगेगा और प्लांट बहुत बड़ा होने लगेगा और हार्डी भी होगा जैसे ही 2-3 बाद ही। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। ये 2 प्लांट लगा दिया हूँ, आप अगर ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो आप इसे 5 फीट के दूरी पे लगा सकते हैं। खेती वाला तो ऐसे ही 5 फीट के दूरी या 10 फीट के दूरी पे लगाते हैं, लेकिन 10 फीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 फीट के दूरी पे आसानी से लग जाता है। ये देखिए कितना अच्छा प्लांट पूसी हो गया है और ये प्लांट सर्वाइव भी करने लगा है। और ये प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा ये तुरंत फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा, 3 महीने में इसका फ्रूट आ जाएगा। और इसमें मैं जो खाद दूंगा वो सब बता दूंगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसा ही वीडियो मैं बार बार लाता हूँ। और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा फूल देगा, फूल देने के लिए मेल फीमेल अपने आप पहचान जाइएगा, अगर मेल फीमेल आप नहीं पहचान पाइएगा तो वो बर्बाद कर देता है। ये ज़्यादातर इसमें मेल आएगा नहीं, फीमेल ही ज़्यादातर प्लांट में 80% आ सकता है। और कुछ और वेराइटी आता है जो कि बहुत सारा उभयलिंग वाला आता है, जो मतलब आपको मेल फीमेल एक ही प्लांट में हो जाता है और वो बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। वो भी छोटा बोना वेराइटी होता है जो गार्डन में आप लगा सकते हैं, गमला में भी लगा सकते हैं। इसके लिए 30 इंच वाला गमला या 20 इंच से ऊपर वाला ही गमला का चूज कीजिएगा, और गमला में चूज कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा पानी का क्षमता नहीं रखिएगा, ज़्यादा पानी होगा तो ये मरने का चांस रहता है। बिना वाटर लॉगिंग का हो तो वो भी प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है। जय हिंद।